नमस्कार दोस्तों, कई छोटे बच्चों को या कई बड़े लोगों को भी अक्सर दांत में कीड़े लग जाते हैं, जिससे उनके दांत मसूड़ों में दर्द होने लगता है। यहाँ आज मैं दो उपाय बताने जा रहा हूँ। इनमें से एक से दो उपाय आप अदल बदल कर लें, पहले दिन में ही घर पर ही आराम मिल जाएगा। इसमें पहला उपाय है फिटकरी। इसमें आपको फिटकरी का थोड़ा सा पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है। फिर तैयार किए गए इस पेस्ट को अपने दांतों पर ब्रश की मदद से लगाना है। ऐसा करने से आपके दांत में लगे कीड़े से आपको छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी। हींग पाउडर, इसमें आपको हींग पाउडर लेना है। इसे पानी में डालकर उबालना है। इसके बाद जब पानी ये गुनगुना हो जाए तो इस पानी से आपको 5 मिनट तक कुल्ला करना है। ऐसे करने से आपके दांत में लगा कीड़ा खत्म हो जाता है। इस उपाय को दिन में 3 से 4 बार कर लें। लौंग का तेल, आपके जिस दांत में कीड़ा लगा हो आप वहाँ लौंग का तेल लगा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी रुई में लौंग को लेकर आप कीड़े लगे दांत पर लगा लें और ऐसे ही छोड़ दें 15 मिनट के लिए। इससे आपके दांत का कीड़ा निकल जाएगा। लहसुन, दांतों में लगा कीड़ा निकालने के लिए आप 4-5 लहसुन की कलियों को छील कर पीस लें और बारीक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को दांतों पर लगाकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद साफ पानी से कुल्ला करके साफ कर लें, कीड़ा निकल जाता है। आंवले को पीस कर इसका पेस्ट बनाकर इस दांतों में लगाएं, फिर पानी से कुल्ला कर लें। दर्द में भी आराम मिलेगा और कीड़ा भी निकल जाता है। जायफल, रुई को जायफल के तेल में भुगो कर 5 से 10 मिनट तक कीड़े वाले दांत पर रखें और फिर गर्म पानी से कुल्ला कर लें। इससे बहुत ही आराम मिलता है, दर्द में भी आराम मिलता है, कीड़ा भी निकल जाता है। सरसों का तेल, नमक का पेस्ट और हल्दी का पेस्ट। सरसों के तेल में हल्दी और नमक को मिलाकर ब्रश करने से दांत में कीड़ा नहीं लगता है। इसके साथ दांत भी चमकदार बनते हैं। काली मिर्च को पीस कर थोड़ा सा नमक मिलाकर हल्का हल्का ब्रश करने से भी राहत मिलती है और कीड़ा निकल जाता है। नीम का दातुन, नीम का दातुन नियमित करने से ना सिर्फ कीड़े की समस्या में छुटकारा मिलता है बल्कि दांतों में चमकदार सफेदी भी आती है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो फॉरवर्ड करके देखा है तो एक बार फिर से बता दूं, ये सब उपाय आपको एक साथ नहीं करने हैं, एक से दो उपाय करने ही काफ़ी हैं। इसके साथ कुछ आराम मिलने पर, दांतों में गड्ढा होने पर दांत जरूर भराएं और RCT जरूर करा लें ताकि आपके दांत लंबे समय तक आपका साथ दें। धन्यवाद।